हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बेसिक रेडिकल एंड कैटायंस में ग्रुप एनालिसिस और एक रेडिकल का टेस्ट करके मैं दिखाया था अमोनियम आयन, उसको कॉपी में कैसे लिखना ये भी मैं बताया था टेबलर फॉर्म में। तो अभी मैं एक और रेडिकल Pb2+ जो ग्रुप वन में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए बोर्ड में, जब ये सॉल्ट मिलेगा तो Pb2+ फिजिकल अपीयरेंस में कलर ऑर्डर स्टेट सॉल्टी, ये पहला पॉइंट है जो आप नोट करेंगे। और इसमें भी देखिए, जो आपको मैं सॉल्ट लिया हूं Pb2+ का मैं ले रहा हूं, पहले ये तो अमोनियम का जो है वो बचा हुआ है, Pb2+ ये है लेड का, लेड नाइट्रेट है। और ये मैं ले रहा हूं, ये इतना सॉल्ट काफी है। ये जो आप अभी हम मैं ले रहा हूं ये वॉच क्लास में, ये सॉल्ट व्हाइट कलर का, ये काफी है, इतना में ही हो जाएगा, एक स्टूडेंट के लिए इतना काफी होता है ये स्पैचुला के थ्रू। तो ये अभी हम देखेंगे तो सॉल्ट का जो कलर है वो व्हाइट ऑर्डर नहीं होता है, जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें ऑर्डर नहीं है। इसमें से ऑर्डर एसीटेट या सल्फाइड या अमोनियम हो, ये तभी हो सकता है। तो ये ऑर्डर लेस। तीसरा है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर ध्यान से ऐसे करके देखेंगे शाइनिंग है। सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर में ये स्मॉल क्वांटिटी सॉल्ट लेते हैं और इसमें सॉल्युबल करके देखते हैं। ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल हो गया, तो ये सॉल्युबल है। फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ, सेकंड में आते हैं। अब मैं जैसे बताया कि सॉल्ट जब मिलेगा और उसको सॉल्युबल करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में पहले वाटर ऑलरेडी सॉल्युबल हो चुका है, उसका डाइल्यूट एचसीएल अगर नहीं होता तो डाइल्यूट एचसीएल पे अप्लाई करते। और ग्रुप एनालिसिस में आपको याद होगा कि ग्रुप वन का जो फर्स्ट ग्रुप का जो रिएजेंट है वो डाइल्यूट एचसीएल है, और डाइल्यूट एचसीएल अगर हम इसमें ऐड करते हैं, डाइल्यूट एचसीएल अगर इसमें हम इसी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, देखिए लिखा हुआ है, लिख दिए हैं टू द सॉल्यूशन, टू द सॉल्यूशन यानी जो हम इसको सॉल्युबल कर चुके हैं, एड डाइल्यूट एचसीएल, डाइल्यूट एचसीएल ऐड करते हैं, देखिए डाइल्यूट एचसीएल ऐड करते हैं, देखिए व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी को पहले हम कुछ देर सेटल होने देंगे, सेटल व्हाइट पीपीटी को कुछ देर सेटल होने देंगे, और सेटल होने के बाद उसको फिर डिकेंट यानी अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। और फिर मैं देखिए बताया था, मैं बता रहा हूं व्हाइट पीपीटी ग्रुप वन यहां पर लिख देंगे, अगर ये व्हाइट पीपीटी आया ऑब्जर्वेशन में और इसका इंफरेंस में ग्रुप वन ब्रैकेट में पीपीटी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा प्रेजेंट। अब इस पीपीटी को देखिए मैं लिख रहा हूं थर्ड पॉइंट, देखिए डिजॉल्व डिजॉल्व द पीपीटी इन हॉट वाटर, यानी इस पीपीटी को सेपरेट करने के बाद हॉट वाटर यानी वाटर ऐड करके हीट कर देंगे, और डिवाइड इट इनटू टू पार्ट, और इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले डिकेंट कर लेंगे, बस इतना पीपीटी, पीपीटी भी ज्यादा था वो इतना पीपीटी बस रखेंगे, और इसको हम
देखिए इसको वाटर ऐड कर लेंगे वन थर्ड टेस्ट ट्यूब के वन थर्ड के अप्रोक्सीमेट और इसको हीट करेंगे ये डिजॉल्व हो जाएगा। हीट करने से ये डिजॉल्व हो जाएगा। और डिजॉल्व देखिए हीट डिजॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। डिजॉल्व हो गया। अब इसको आप बंद कर दीजिए और इसी को दो पार्ट में डिवाइड करिए। उसमें लिख दिए हैं डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। देखिए और एक में KI सॉल्यूशन, देखिए ये KI सॉल्यूशन है जो कलरलेस है। KI सॉल्यूशन देखिए एक में ऐड करेंगे KI सॉल्यूशन तो येलो पीपीटी, देखिए येलो पीपीटी। और दूसरे में पोटासियम क्रोमेट सॉल्यूशन और इसमें भी पीपीटी, ये कलर है लेकिन ये पीपीटी इसमें आएगा। पीपीटी देखिए दोनों में डिफरेंस, तो ये भी येलो पीपीटी और वो ये भी येलो पीपीटी, पीपीटी दोनों सेपरेट सेटल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पीबी कंप्लीट हुआ। मैं इसको बोर्ड पे आगे का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो लिख दे रहा हूं। डिजॉल्व द पीपीटी विद इन हॉट वाटर एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। थ्री का फर्स्ट, इसमें थ्री का फर्स्ट में लिखेंगे टू फर्स्ट पार्ट एंड KI सॉल्यूशन। यहां पर ये जो ऑब्जर्वेशन है वहां पर आएगा येलो पीपीटी, यहां पे PB2+ कंफर्म और इसी में थर्ड का पॉइंट टू सेकेंड पार्ट एड K2Cr4 सॉल्यूशन और इसमें भी येलो पीपीटी PB2+ कंफर्म और इस तरह से पीबी कंप्लीट हो गया। इसमें ये अगर एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी आप एग्जाम में याद रखेंगे KI या K2CrO4 में तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश करें दोनों याद करने का, लेकिन एटलीस्ट वन जरूर याद करें। और इस तरह से लिखना भी है और इसको मैं परफॉर्म करके दिखा दिया। तो इस तरह से पीबी भी कंप्लीट और इसके पहले मैं NH4+ को भी बता दिया। तो इस तरह से आगे भी मैं और मेडिकल जो है बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप जरा ध्यान से देखेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बाकी स्कूल खुलने के बाद जो भी होगा वो क्लियर होगा। धन्यवाद।